नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिर। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अगस्त दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू होगा जमीनों के सर्वे का काम। बिहार में इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या में वृद्धि। अवैध बालू खनन पर नीतीश सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में। सितंबर में सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षकों का होगा पदस्थापन। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में शामिल हुए पंकज त्रिपाठी। दिन भर में कितने घंटे चलाया फोन, जानिए ऐसे। केकेआर ने अगर रिटेन नहीं किया तो रिंकू सिंह ने इस टीम से खेलने की जताई इच्छा। अब चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में पैरा मेडिकल के 1376 रिक्त पदों पर शुरू हुए आवेदन। रेलवे बोर्ड ने पैरा मेडिकल कैटेगरी के तहत कुल 1376 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 16 सितंबर 2024। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने संबंधित क्षेत्र में 12 या डिप्लोमा किया हो। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 से 22 से अधिकतम आयु 33 से 40 वर्ष तक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज से शुरू होगा जमीनों के सर्वे का काम। आज से राज्य सरकार ने जमीनों के सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण काम शुरू कर दिया है। इस सर्वे के तहत सरकार ने कुछ नए और महत्वपूर्ण नियम भी जारी किए हैं, जिनका पालन सभी जमीन मालिकों के लिए अनिवार्य होगा। बता दें कि दस्तावेजों में जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, जमीन का नक्शा, शपथ पत्र, रैयत के मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी की रसीद और खतियान की नकल शामिल है। इसके अलावा जमीन से संबंधित अन्य दस्तावेजों की विवरणी, सक्षम अदालत के आदेश की ओरिजिनल कॉपी, आवेदनकर्ता या मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी भी प्रस्तुत करनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई दस्तावेज ऑनलाइन भी प्राप्त किए जा सकते हैं या आप जिला कार्यालय में लगने वाले शिविरों में जाकर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग राज्य से बाहर नौकरी, व्यवसाय या अन्य कामों में व्यस्त हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प दिया है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रेनर नाम के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या में वृद्धि। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। जुलाई में जारी हुए प्रदर्शन सूचक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में पिछले वित्तीय वर्ष में इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या में 14.2% की वृद्धि हुई है। मार्च 2023 में जहाँ बिहार में 634 लाख इंटरनेट सब्सक्राइबर थे, वही मार्च 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 717 लाख पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार के बाद इंटरनेट के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा वृद्धि असम में देखने को मिली है, जहां 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे भागलपुर के बारे में। भागलपुर बिहार का एक जिला है। बिहार राज्य इतिहास का वह समृद्ध स्थान है जो अपनी कला, संस्कृति, साहित्य और गौरवशाली साम्राज्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। मंदार हिल्स, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कर्नलगंज, रॉक कट मंदिर, अजगैबीनाथ मंदिर, पी के दास संग्रहालय और पार्क, महर्षि मेही आश्रम, रविन्द्र भवन, राजमहल, जीवाश्म अभयारण्य, वासुपूज्य भगवान महावीर जैन मंदिर, विक्रमशिला सेतु आदि शामिल है। आप चाहे तो इन जगहों को भागलपुर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सितंबर में सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षकों का होगा पदस्थापन। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का फॉर्मूला तय कर दिया गया है। नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग सितंबर तक होने की संभावना है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए प्रस्तावित नीति का फॉर्मूला तय कर लिया है।
कमेटी अब जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षकों की काउंसलिंग की निगरानी भी तेज कर दी है। शिक्षा विभाग ने बताया कि स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रस्तावित नीति को विभागीय स्तर पर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी में है। गड़बड़ी की शिकायत पर सील हुआ पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाते समय आपको किसी गड़बड़ी का अंदेशा होता है या आपको धांधली होती हुई दिखाई देती है तो आप उस पेट्रोल पंप की शिकायत कर सकते हैं। आपने पेट्रोल या डीजल हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप से भरवाया है तो इसकी वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपने इंडियन ऑयल से डीजल या पेट्रोल भरवाया है तो हेल्पलाइन नंबर 1800-233-555 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाना होगा तो आपके शिकायत दर्ज करवाने के बाद संबंधित पेट्रोल पंप पर कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप सील भी किया जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा आकलन। अब बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आधारभूत संरचना और दी जाने वाली सुविधाओं की गहन जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें गठित की हैं जो विभिन्न जिलों में जाकर अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं का आकलन करेगी। ये टीमें ये जांच करेगी कि अस्पतालों की आधारभूत संरचना कैसी है और सुधार के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। बता दें, स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश की सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में समय समय पर आधारभूत संरचनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन किया जाता है। यदि किसी भी क्षेत्र में कमी पाई जाती है तो उसे सुधारने के उपाय भी किए जाते हैं। बिहार में आज से ड्रोन से लगाए जाएंगे पौधे। रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इको पार्क में विशेष पहल की। मुख्यमंत्री ने पीपल के पेड़ को राखी बांधी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए एक नया पौधा भी लगाया। इस मौके पर बिहार के पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने महत्वपूर्ण घोषणा की। मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि आज से बिहार के पहाड़ों पर पेड़ लगाए जाएंगे। ये कार्य ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक पौधे लगाए जा सके। उन्होंने बताया कि बिहार में 4 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 2 करोड़ 20 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। मौसम की वजह से उपचुनाव में देरी, मुख्य चुनाव आयुक्त। निर्वाचन आयोग ने बिहार समेत कई राज्यों में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा कि फिलहाल मौसम की स्थिति उपचुनाव के आयोजन के लिए अनुकूल नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वायनाड लोकसभा सीट के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, असम में करीब 46 विधानसभा सीटें रिक्त है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है जिससे उपचुनाव के आयोजन में कठिनाई आ रही है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इन उपचुनाव को जल्द से जल्द 6 महीने के भीतर कराए जाने की योजना है जब स्थिति सामान्य हो जाएगी। पूर्णिया, मुंगेर और नालंदा विश्वविद्यालय में नए प्रभारी कुलपति नियुक्त। राज्य के 3 विश्वविद्यालय के कुलपतियों पूर्णिया के प्रोफेसर राजनाथ यादव, मुंगेर के प्रोफेसर श्यामा राय और नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्रिस चंद्र सिन्हा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इन 3 विश्वविद्यालयों में नए प्रभारी कुलपति बनाए गए हैं। बता दें कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार झा को वहाँ के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार इस विश्वविद्यालय के कुलपति का भी काम संभालेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी को अपने कार्यों के अलावा मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अवैध बालू खनन पर नीतीश सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में। बालू के अवैध कारोबार पर लगाम कसने और सरकारी बालू परिवहन की निगरानी के लिए खनन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। 8 जिलों में चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया गया है जिससे बालू के अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में बालू खनन की समस्याओं और समाधान पर विचार किया गया। बैठक में यह तय किया गया है कि पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, शिवहर, सारण और जम्मू जैसे संवेदनशील जिलों में चेक पोस्ट स्थापित किए जाएं।
इसके लिए खनिज विकास अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। दिन भर में कितने घंटे चलाया फोन जानिए ऐसे। क्या आप भी महसूस करते हैं कि आप अपने फोन पर बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं? अगर हाँ तो चिंता की कोई बात नहीं है। एंड्रॉयड फोन में एक बेहतरीन फीचर मौजूद है जिसका नाम है डिजिटल वेलबीइंग। इस सेटिंग के जरिए आप जान सकते हैं कि आपने दिन भर में कितने घंटे अपने फोन का इस्तेमाल किया और कौन से ऐप्स पर सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं। सबसे पहले आप अपने फोन के सेटिंग्स पर जाएं, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके डिजिटल वेलबीइंग और पेरेंटल कंट्रोल्स पर टैप करें। यहाँ आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपके फोन इस्तेमाल करने का कुल समय घंटों और मिनटों में दिख जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि आपने कौन से ऐप्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो इस तरह आप अपनी आदत सुधार सकते हैं। बिहार के 4 और जिलों में मेट्रो रेल परिचालन के लिए जगह तलाशनी हुई शुरू। राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू होने का लक्ष्य 2025 में रखा गया है। राज्य कैबिनेट ने अब पटना के अलावा 4 अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने के लिए भी मंजूरी दे दी है। मेट्रो रेल कारपोरेशन ने इन नए शहरों में मेट्रो रेल सेवाओं की तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें कि पटना में पहले फेज के तहत मेट्रो रेल परिचालन की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच ट्रेनों के रखरखाव और निर्माण के लिए रेलवे ने जगह तलाशनी शुरू कर दी है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो मेट्रो का निर्माण और मेंटेनेंस जमालपुर रेल कारखाने को सौंपा जा सकता है। कोलकाता मेट्रो रेल के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी ने इसकी जानकारी दी। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में शामिल हुए पंकज त्रिपाठी। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हर साल इंडिया डे परेड का आयोजन होता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के बाद आयोजित होने वाला यह परेड काफी मशहूर है जिसमें नामी हस्तियां शामिल होती हैं। इस साल न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में भारतीय सिनेमा में अपनी बहुमुखी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले पंकज त्रिपाठी भी शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बहुत आभारी और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ जो भारत की स्वतंत्रता और दुनिया भर में भारतीयों के बीच एकता की भावना का जश्न मनाता है। नीतीश कैबिनेट की बैठक की तारीख बदली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, लेकिन अब मीटिंग की तारीख बदल गई है। अब कैबिनेट की बैठक मंगलवार की जगह बुधवार को यानी 21 अगस्त को होगी। बता दें ये बैठक सीएम सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे शुरू होगी। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। इससे पहले 6 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमे कुल 36 प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कवि कुमार आजाद के बारे में। कवि कुमार आजाद का जन्म बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। उन्हें अभिनय और लेखन में रुचि थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कई लघु फिल्मों में काम किया और कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई। उन्हें फिल्म जोधा अकबर में एक गेहूं विक्रेता के रूप में देखा गया था। उन्हें लोकप्रियता जुलाई 2008 में शुरू हुए शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मिली। उन्होंने बिहार के रहने वाले गोकुल धाम सोसाइटी के निवासी डॉक्टर हंसराज हाथी की भूमिका निभाई। 9 जुलाई 2018 को कार्डियक अरेस्ट के कारण मुंबई में उनका निधन हो गया। बिहार में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बारिश के पूर्वानुमान जारी किए हैं। इसके अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज में आज कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही कैमूर, औरंगाबाद, जमुई और बांका जिले के एक या दो स्थानों पर वज्रपात होने की भी संभावना है। बता दें कि बुधवार को राज्य में तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कंपनी ने कहा स्ट्रक्चर नहीं मलबा गिरा था। भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे सुल्तानगंज अगवानी पुल के पिलर नंबर 9 का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। पुल निर्माण के इस हिस्से के गिरने के बाद कंपनी ने बयान जारी किया है, स्ट्रक्चर नहीं बल्कि नदी में मलबा गिरा था। ये तीसरी बार है जब पुल का कोई हिस्सा या स्ट्रक्चर गिरा हो। नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण काम को रोकना पड़ा था। अब उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के अंत तक पुनः निर्माण का काम शुरू हो सकेगा। इसके लिए कंपनी गंगा नदी की मध्य धारा में गिरे मलबे को पहले से निकालने का काम करेगी। नए डिजाइन के अप्रूवल के बाद ही काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जानिए कैसे बुक कर सकते हैं ट्रेन का सर्कुलर टिकट।
अगर आप लंबी यात्रा की योजना बना रहे हैं और विभिन्न स्थलों को देखने का मन बना रहे हैं तो सर्कुलर टिकट आपके लिए एक आदर्श विकल्प हो सकता है। बता दें, ट्रेन में सर्कुलर टिकट लेकर आप 56 दिनों तक सफर कर सकते हैं, लेकिन इस टिकट पर सफर करने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। बता दें कि जैसे कि आप इस टिकट को लेकर सिर्फ 8 स्टेशनों पर ही उतर सकते हैं, यानी आपने अगर किसी स्टेशन से सफर करना शुरू किया है तो इस दौरान ट्रेन कहीं रुकती है तो इस बीच आपको सिर्फ 8 स्टेशनों पर ही उतरने की अनुमति होती है। और आखिर में जिस स्टेशन से आपने अपना सफर शुरू किया होता है उसी स्टेशन पर वापस आना होता है। सर्कुलर टिकट बुक कराने के लिए आपको रेलवे डिवीजन के कमर्शियल मैनेजर से संपर्क करना होता है। वे आपकी यात्रा की योजना को देखकर टिकट की कीमत तय करते हैं और इसके बाद स्टेशन मैनेजर को सूचित करते हैं। 935 ट्रेनी सिपाहियों का हड़ताल। सुपौल में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 935 ट्रेनी सिपाहियों ने 6 घंटे तक चिलचिलाती धूप में धरना दिया। ट्रेनी सिपाहियों का आरोप है कि उन्हें जहर मिलाकर खाना दिया जा रहा है, खाने की क्वालिटी भी खराब है। आरोप है कि जिस खाने से तबियत बिगड़ी उसमें सल्फास मिलाया गया था। किचन से सल्फास की पुड़िया भी मिली है, हालांकि खाने में सल्फास मिलाने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। IDG ने कहा कि फूड प्वाइजनिंग का मामला सही है, इसमें जाँच के बाद एक्शन लिया जाएगा। जीतन राम मांझी का छल का दर्द। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकाले जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मांझी ने कहा कि सम्मान देने के बाद किसी को बेइज्जत करना सियासत के लिए एक गंभीर समस्या है और ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने चंपई सोरेन के 7 महीने के मुख्यमंत्री कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि सोरेन ने अच्छा काम किया है और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से अनुचित थी। मांझी ने यह भी कहा कि सियासत में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। राज्यसभा के लिए आज नामांकन करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि वे आज 11 बजे बिहार विधानमंडल में NDA गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि हाल ही में NDA की ओर से आधिकारिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया गया था। KKR ने अगर रिटर्न नहीं किया तो रिंकू सिंह ने इस टीम से खेलने की जताई इच्छा। भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे रिंकू सिंह ने IPL के आगामी सीजन को लेकर अपनी बड़ी इच्छा जाहिर की है। रिंकू सिंह जो कि अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर IPL 2025 की मेगा नीलामी से पहले कोलकाता उन्हें रिलीज करता है तो वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलना पसंद करेंगे। बता दें कि रिंकू सिंह ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज में अपनी शानदार प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया था। अब रिंकू सिंह 25 अगस्त से शुरू होने जा रहे UP T20 लीग में मेरठ मेवरिक्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन वर्ष 1600 में मुगल बादशाह अकबर ने अहमदनगर पर कब्जा किया। आज ही के दिन सन 1666 में शिवाजी आगरा में फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार हुए। आज ही के दिन 1918 में भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1949 में भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी बना। आज ही के दिन सन 1944 में भारत से जापान की अंतिम सैन्य टुकड़ी को खदेड़ा गया। आज ही के दिन सन 2013 में बिहार में धांधा घाट ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 37 लोगों की मौत हुई। सेंसेक्स गिरावट पर बंद, निफ्टी में मामूली बढ़त। भारतीय शेयर बाजार में ओपनिंग के समय निफ्टी में 80 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार खुला, लेकिन क्लोजिंग आते आते शेयर बाजार ने सारी तेजी गंवा दी और गिरावट के लाल निशान के साथ बंद हुआ। BSE का सेंसेक्स 12.16 अंक की मामूली गिरावट के साथ 80,424.68 पर बंद हुआ है और NSE का निफ्टी 31.50 अंकों या 0.13% की मामूली तेजी के साथ 24,572.65 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में बढ़त पर कारोबार बंद हुआ और 10 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी के 50 में से 31 शेयरों में तेजी रही और 19 शेयरों में गिरावट रही। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में से आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कब शुरू होंगे? ऑप्शन ए है 1 सितंबर 2024, ऑप्शन बी है 18 सितंबर 2024, ऑप्शन सी है 25 सितंबर 2024 और ऑप्शन डी है 1 अक्टूबर 2024। इसका सही आंसर होगा 18 सितंबर 2024। हाल ही में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है दुबई। इसका सही आंसर होगा दुबई। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है 36वां, ऑप्शन बी है 37वां, ऑप्शन सी है 38वां और ऑप्शन डी है 39वां। इसका सही आंसर होगा 39वां। बिहार राज्य का पुष्प क्या है? ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है गेंदा, ऑप्शन सी है गुलाब और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी गेंदा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन बिहार में डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 5 अगस्त और ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर। इसका सही जवाब होगा बी 5 अक्टूबर। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनका नाम मोतीलाल कुमार, कस्तूरी शर्मा, पवन सिंह, राकेश मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, राजीव कुमार, प्रिंस कुमार, राम बाबूदास, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बिजली व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं है? आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।